ओ तो यहाँ पे बिजमाई की तरफ से एक न्यू पोस्ट आई है और लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या। चलो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और हम लोग जवाब देंगे। तो स्टक विदाउट एमओ इन अ फाइट, फाइंड एमओ और पैन अप। यानी कि अगर हम लोग फाइट ले रहे हैं और बीच में हमारी एमओ खत्म हो गई तो हम लोग एमओ ढूंढेंगे या फिर पैन कर देंगे बंदे को। तो यार मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लोगों को जवाब देख लेते हैं, उसके बाद मैं भी जो करना होगा मैं भी बताऊंगा अपना जवाब ठीक कमेंट में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो जवाब है, प्लीज डू समथिंग बीज माई कम्युनिटी फॉर लो एंड डिवाइस यूजर्स, वी नीड बीज माई लाइट वर्जन। ये कौन सा जवाब है, इसमें तो पैन या फिर फाइंड एमओ कुछ लिखा ही नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं, वी नीड बीज माई लाइट, ये कौन सा जवाब है यार, वी नीड बीज माई लाइट, 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 मतलब यार कोई भी जवाब ही नहीं, बीज माई लाइट, बीज माई लाइट, इतने ज्यादा बीज माई के फैन। चलो यार अब लोगों को बता ही देते हैं कि बीज माई आखिर कब आएगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. यार अदु हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर बीज माई लाइट कब लॉन्च होगा। उससे पहले यार बात कर लेते हैं कि बीज माई लाइट को लेकर इतना ज्यादा लोगों के मन में क्रेज क्यों है। तो यार इसका एक सिंपल सा आंसर है कि पहले अगर हम लोग बात करें पबजी लाइट को लेकर के, यानी कि पबजी मोबाइल लाइट को लेकर के, तो यार जब पबजी मोबाइल लाइट लॉन्च हुआ ना उसके बाद से बहुत सारे गेमर्स ऐसे थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा खराब फोन था जिसमें कि कोई भी गेम सही नहीं चलता था और जो चलते भी थे वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। और जब ये पबजी मोबाइल लाइट आया तो यार इन लोगों के यार मतलब आस आ गई कि ये गेम बहुत ज्यादा कमाल का है। और वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम था पबजी मोबाइल लाइट। मैंने भी स्टार्टिंग पबजी मोबाइल लाइट से करी है और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस समय पबजी मोबाइल खेल रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग पबजी मोबाइल लाइट से ही करी होगी। और मैंने भी बहुत ज्यादा इस गेम को खेला है और यार मतलब कि एक इमोशन बन जाता है गेम जब आप लोग खेलते रहते हो उसको। और यही हुआ हमारे पबजी मोबाइल लाइट के यूजर्स के साथ। अब यार अचानक से हुआ क्या कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को बैन कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब बीज माई आया तो वहाँ पे लोगों के मन में आस आ गई कि हाँ यार अब ये वाला जो गेम है वो लो एंड डिवाइस में भी चलेगा। चारों तरफ भी बस यही खबर चल रही थी कि ये बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज होगा लो एंड डिवाइस के लिए। लेकिन जब ये लॉन्च होता है तो उसके बाद पता चलता है कि इसका साइज भी इतना ज़्यादा बड़ा है। उसके साथ साथ आप लोगों के फोन में ये जो गेम है वो अच्छे अच्छे डिवाइस में नहीं चल रहा है और लो एंड डिवाइस में तो फिर क्या ही गए, 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM, तो मतलब कि कूड़ा ही हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें लैग होने लगा। तो यार देखो अब गेम बचा नहीं कोई भी लो एंड डिवाइस प्लेयर्स के लिए और इतना ज़्यादा इमोशन लोगों के मन में जुड़ गया है ना कि लोग चाहते हैं कि ये गेम आए, जरूर से आए। और इसीलिए बीज माई लाइट का आज इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है कि चारों तरफ बस यही है कि आखिर बीज माई लाइट कब लॉन्च होगा। तो यार देखो मैं आप लोगों को बताऊँ कब लॉन्च होगा। तो यार होता क्या है कि जब ये बीज माई लाइट आया है ना अभी समय ट्रेंड में, तो यार इतना ज़्यादा आ गया ट्रेंड में कि चारों तरफ बस यही चल रहा है बीज माई लाइट कब आएगा। ठीक है अब यार देखो आप लोग बीज माई कोई भी पोस्ट ले लो, कोई भी यूट्यूबर की कमेंट ले लो, सिंपल से वहाँ पर लिखा हुआ है बीज माई लाइट कब आएगा। तो इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ना कि मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक और चलता रहा तो डेफिनेटली क्राफ्टन को कोई ना कोई स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे बीज माई लाइट को लेकर, या फिर उनको कुछ ऑफिशियल न्यूज़ देनी पड़ेगी कि आखिर वो लोग कब लॉन्च कर रहे हैं और क्या इसके बारे में वो लोग करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो यार जब पबजी न्यू स्टेट अगर जब नहीं आया था तो लोग सिंपल से वो लोग कह रहे थे कि पबजी न्यू स्टेट जो है अभी इंडिया के लिए नहीं आएगा, अभी उसको आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन अचानक से हम लोग को क्या पता चलता है कि प्री रजिस्टर स्टार्ट हो गए और जाओ प्री रजिस्टर करो जाके प्ले स्टोर पे, तो ऐसा हम लोगों को कुछ पता चलता है। ठीक है अब यार यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पबजी न्यू स्टेट के आने की। अब यार हो सकता है कि ऐसा ही हो हमारे बीज माई लाइट को लेकर कि अभी हम लोग कोई भी खबर नहीं है और आगे चल के अचानक से हम लोग पता चले कि बीज माई लाइट बहुत ही जल्द आ रहा है। और मेरे हिसाब से कि अगर ऐसे ही ट्रेंड में चलता रहा ना बीज माई लाइट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही होगा क्राफ्टन को। तो यार आप लोग भी प्यार सपोर्ट अपना दिखाते रहो और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप लोग देख रहे होगे इस समय जा रहे ट्विटर पे और वहां पे ट्वीट करा रहे हैं, उसको ट्वीट को ट्रेंड करा रहे हैं कि बीज माई लाइट जल्दी लॉन्च करो, रिलीज डेट, ये सब ट्रेंड हो रहा है। तो आप लोग भी ट्विटर पे सपोर्ट करो उन लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो जाकर अगर आप लोग भी चाहते हो कि जल्दी बीज माई लाइट आए, तभी ऐसा हो सकता है और जल्दी आएगा और ऐसे ही ट्रेंड करता रहेगा, ये तो मुझे पता ही है। क्योंकि लोगों को चाहिए भाई इस समय गेम चाहिए उनको बीज माई लाइट,
और बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही करता रहेगा तो बहुत ही चलता आ जाएगा। आप लोग होप रखो, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं आएगा, आना चाहिए और जरूर आएगा। आप लोग यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल भी कर दो। और बीच बाय लाइट से अगर कुछ भी रिलेटेड खबर आती है, कुछ भी लीक आती है कि कब लॉन्च होगा, डेट क्या है, कुछ भी अगर हल्का सा भी न्यूज आती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग यार अगली वीडियो में।